नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। जैसा कि मैंने कहा था कि नया बैच 14 दिसंबर से स्टार्ट करूंगा, तो वो बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है। और आज के इस वीडियो में पूरी बातचीत हम करेंगे कि कैसे हमें पूरी तैयारी करनी है। ये जो पूरा हमारा कोर्स होगा, ये डेडिकेटेड है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए, साथ ही साथ बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए और उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो जो भी विद्यार्थी इन तीन परीक्षाओं को टारगेट बना करके तैयारी करने जा रहे हैं, उनको एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म ओनली यूपीएससी प्रोवाइड करवाने जा रहा है, और वो भी एकदम मुफ्त। कोई भी पैसा आपका नहीं लगना है और पूरी की पूरी तैयारी आपकी फ्री हो जाएगी। आजकल के इस दौर में जहां पर संपत्ति ही सब कुछ है, धन सब कुछ है, वहां आपके लिए संपूर्ण क्लास फ्री में लेकर के आया हूं, ताकि हर बच्चा तैयारी कर पाए जो सपना रखता है कि उसे एसडीएम बनना है, किसी जिले को चलाना है, ठीक है ना। तो वो सब कुछ आप कर पाएंगे। तो हमारे वो विद्यार्थी जो बीपीएससी तैयारी करना चाहते हैं या यूपीपीएससी, ये चौथा कुछ और मैं दे दूं, तीन प्रश्न आए, तीन विकल्प मैंने आपको दे दिए। अब आप जैसे सर खुजा रहे हैं, अच्छा क्या किया था, कैसे किया था, क्यों किया था, आपने पढ़ाई नहीं, आपने तो बस इतना ही पढ़ा कि अकबर ने मनसबदारी प्रथा को शुरुआत किया था, मनसब बनाए थे। तो जब आप ये पढ़ते हैं कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की, अकबर जब आप पढ़ते हैं तो वो क्या है, आपका फैक्ट बेस्ड पढ़ाई है। क्या है, फैक्ट बेस्ड पढ़ाई है। और यूपीपीसीएस में सवाल आते हैं, फैक्ट के भी सवाल आते हैं, लेकिन सिर्फ फैक्ट के सवाल नहीं आते, अंडरस्टैंडिंग बेस भी सवाल आते हैं। तो वो मनसबदारी प्रथा के बारे में भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो आपको यह भी जानना होगा कि मनसबदारी प्रथा थी क्या, और जब आप ये जान पाएंगे कि वो क्या थी, तो आप उसका इंपैक्ट भी समाज पर समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि मनसब क्यों बनाई गई, उसका क्या उद्देश्य है मनसब बनाने का, तो आप बहुत ही इजीली उसको समझ पाएंगे। इसका मतलब कि जो पढ़ाई का आपका तरीका होगा, वो इन दोनों को ध्यान में रखे होगा, फैक्ट बेस्ड और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, क्योंकि सवाल दोनों से पूछे जाते हैं, और उन दोनों को यदि आप टैकल नहीं कर पाए तो आप धराशायी हो जाएंगे और आपका परीक्षा निकलेगा नहीं। अब इनको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, यही सवाल होता है ना अपने दिमाग में कि इनको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो इनको जो पढ़ने का तरीका होगा वो ऐसा होगा कि आपको रेफरेंस बुक को अच्छे से पढ़ना होगा। किताबें, किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त, उनको आपको पढ़ना होगा, लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा। और उसके बाद में दूसरा काम, वहां से क्या होगा कि जो आप एक नॉर्मल रीडिंग करेंगे ना, आपकी एक समझ धीरे धीरे विकसित होगी। किताब ना आपको एक अलग लेवल पे लेके जाती है, क्योंकि जब किताब लिखी जाती है तो उसके पीछे बहुत सारी साइकोलॉजी काम करती है, कि जब पढ़ेगा ना वो उसके बारे में क्या सोचेगा। किताबें बहुत खूबसूरत होती है, किताबें पढ़ा करिए। तो जब आप किताब की रीडिंग करेंगे तो आपको एक आइडिया बनता, आपके दिमाग में चला जाएगा। हाँ, वहां से आप सवाल जनरेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये सवाल आपके सामने खड़ा होगा कि मैंने पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, सवाल कैसे पूछे जाएंगे, ये कौन बताएगा, तो ये बताऊंगा मैं। जो हमारी तैयारी होगी उसमें हम क्या करेंगे कि जैसे हर टॉपिक, जैसे मान लीजिए आधुनिक भारत आपका है, आधुनिक भारत का इतिहास है, तो जब आधुनिक भारत का इतिहास में पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं सवाल लूंगा कि सबसे पहले भारत में कौन सी यूरोपीय शक्ति का आगमन हुआ, पुर्तगाली का। सबसे पहले कौन आया, वास्को डी गामा। कब आया, 1498 ईस्वी में आया। कहां पर आया, कालीकट में आया। किस दिन आया, 20 मई 1498 को आया। किसके सहायता से आया, मोहम्मद इब्न मजीद के सहायता से आया। जमोरिन ने उसका स्वागत किया, काली मिर्च का व्यापार किया, 60 गुना मुनाफा कमाया। ये सब आपको मैं पढ़ाऊंगा। कैसे, आप रेफरेंस बुक की रीडिंग करेंगे और मैं सवाल के माध्यम से वो आपके सामने रखूंगा, तब आप समझ पाएंगे अच्छा हमने ये पढ़ा था लाइन बाय लाइन, अब ये सवाल बनकर के आपके सामने आ रहा है। इसका मतलब सवाल यहीं से आता है, ऐसे आता है। तो जो
हमारी तैयारी का जो रूट होगा वो ऐसे ही होगा कि हम क्वेश्चन बेस्ड चलेंगे और पूरा डिस्कशन वहीं पर कर देंगे। एक क्वेश्चन लिया कि सबसे पहले कौन सी यूरोपीय शक्ति आई, उसके चारों विकल्प को डिस्कस करके आपको समझा दिया। तो जो हमारा पढ़ाने का तरीका होगा वो इस प्रकार से होगा। और आपका तरीका क्या है, आपको क्लास में उस तरीके को देखना है कि सवाल कहां से आते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, और अपने बुक को रेगुलर आपको पढ़ना है। जैसे मैंने कहा कि आज मैं आज की क्लास में पुर्तगालियों को पढ़ाऊंगा, तो आप पुर्तगालियों का एक रेफरेंस पूरा पढ़ करके आएंगे, आपको बहुत मजा आएगा। तो मैं पढ़ाऊंगा कि जो अल्बुकर्क था उसने पुर्तगालियों की संख्या को बढ़ाने के लिए भारतीय महिलाओं से विवाह करने को कहा और अपने पुर्तगाली साथियों को प्रेरित किया कि आप यहां के लोगों से शादी करिए, अपनी जनसंख्या यहां पर बढ़ाइए ताकि हमारा साम्राज्य बड़ा हो सके। मैं यहां पढ़ाऊंगा कि किस प्रकार पुर्तगाल की राजकुमारी ने अपना दिल दे दिया किसको, ब्रिटेन के राजकुमार को, और उस दिल के सहारे जो आपकी बंबई है, जो मुंबई है ना, वो किसके हाथ में चली गई, वो चली गई ब्रिटेन के हाथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई, क्योंकि उसको पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया। तो जब आप एक रेफरेंस बुक पढ़ करके आएंगे और यहां पर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों को कनेक्ट करेंगे ना, एक रोमांस बनेगा। क्या एक रोमांस स्थापित होगा किसके बीच में, हमारे और आपके बीच में, टीचर का स्टूडेंट के साथ में। गलत अर्थ मत निकालिएगा, अंडरस्टैंडिंग का रोमांस, समझ का रोमांस, जिससे आप प्रश्न को हल कर पाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे, वो रोमांस स्थापित होगा। और उसके बाद में देखना परिणाम जरूर निकलेगा। तो हमारा सामान्य अध्ययन पढ़ने का तरीका होगा वो यही होगा कि आप बुक का रीडिंग करेंगे, आपको टॉपिक पहले बता दिया जाएगा कि इस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो टॉपिक आप पढ़ के आएंगे और सामने वीडियो में आपको सवाल पर सवाल दिखेगा, और उसके बाद में पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। और पीसीएस से कुछ नहीं है, चुटकी में आप निकाल लेंगे, लेकिन हाँ पसीना बहाना पड़ेगा। जो रजाई तान के सुबह 7 बजे तक सोने वाले हैं और रात में भी 7 बजे सो जाते हैं, उनके लिए नहीं है, सुनिए आप, आपके लिए नहीं है ये, उनके लिए जो मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी जितना मैं कह रहा हूं करेंगे, बुक को पढ़ेंगे, क्लास को देखेंगे, तो निश्चित तौर पर आप भी प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर पाएंगे। अब यहां पर एक सवाल आता है करंट अफेयर्स का। मैंने कहा था ना कि इसका रोल बहुत बड़ा हो गया है, करंट अफेयर्स का क्लास आता है। अब करंट अफेयर्स की क्लास को कैसे करें, करंट अफेयर्स की पढ़ाई कैसे करें, तो मैं तो सामान्य ध्यान आपको पढ़ाऊंगा। करंट अफेयर्स की जो क्लासेस मैं आपकी लूंगा वो जब एग्जाम आपके नजदीक होंगे तब लूंगा। आप कहेंगे वाह सर वाह, खूब बनाया हमको, जो कह रहे हैं मेन चीज है ना उसको एग्जाम टाइम में लेंगे, बाकी टाइम में क्या होगा। तो बाकी टाइम में आपको एक जिम्मेदारी दिया जाएगा, और जिम्मेदारी क्या होगा कि आपको प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। कौन सा न्यूज़पेपर, कोई भी पढ़नी है। हालांकि जो हमारे देश के अखबार है ना उसमें काम की चीजें बहुत कम होती हैं, बाकी बेकार की न्यूज बहुत होती है। कुछ लोग आपको सलाह देंगे द हिंदू पढ़ना तभी सफल हो पाओगे, नहीं भाई, जरूरी नहीं कि आप द हिंदू पढ़े। आप बिजनेस स्टैंडर्ड भी हिंदी में पढ़ लीजिए तो काम चल जाएगा, आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण भी पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, या कोई पत्रिका पैरिस उठा लीजिए उससे भी आपको काम चल जाएगा। आपसे कोई रिसर्च नहीं करवाना है उन्हें, आपसे बस वो रेगुलरिटी मांगते हैं, नियमित होना मांगते हैं। उसके बाद आप अमर उजाला पढ़े और द हिंदू पढ़े, बात बराबर होगी। क्योंकि अगर मोदी ने कोई नई योजना लॉन्च की है तो द हिंदू भी वही लिखेगा और अमर उजाला भी वही लिखेगा। अंतर क्या है, अंतर उस क्लास में है। कौन सी क्लास में, इन वाला क्लास नहीं जो अच्छा आप समझ रहे हैं, नहीं, क्लास जो एक सोच के लेवल पर बनता है। द हिंदू कौन पढ़ता है, द हिंदू इलीट क्लास के लोग पढ़ते हैं, अंग्रेजी जिनको आता है। वो इलीट क्लास कैसे बन गए, अपनी मेहनत से बने हैं, धन संपदा कमाई है, हो सकता है उनको मिली हो विरासत में। अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो कल वो भी आकर के सड़क पर आपको नॉर्मल सरदार पढ़ते हुए दिख जाएंगे। उनमें सबसे खास बात जानते क्या है, वो द हिंदू का प्रयोग करना जानते हैं अच्छे से। सुबह उठते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसका एक सोल्यूशन निकाल करके अपने कॉपी में कहीं नोट्स बना रहे होते हैं।
वही काम यदि आप दैनिक जागरण, बिजनेस स्टैंडर्ड, जनसत्ता को पढ़ करके आप कर लीजिए ना, कोई द हिंदू वाला बंदा आपके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उतना वो भी पढ़ गया है जितना आपने पढ़ा है, वही खबर छपी है। तो जरूरी नहीं कि आप द हिंदू पढ़ करके ही उसको पास कर पाए, आप इसको पढ़ करके भी पास कर सकते हैं। तो कितने काम आपको करने हैं? पहला काम, आपको प्रतिदिन कोई एक अखबार पढ़ना है, और उसमें पॉलिटिकल खबर नहीं ढूंढना है, या प्रेम अफेयर वाला कि फला धक्का को लेकर के भाग गया, उसके बाद में छोड़ दिया, कूटे गए, वो सब नहीं पढ़ना है। राजनीतिक बातों से भी आपको लगभग लगभग उचित दूरी बनाए रखना है। हाँ, उन बातों को जरूर जाने जिनसे नीतिगत प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि मैंने कहा राजनीति से दूर हो जाए तो आप मोदी का नाम लेने से भी डरिए, राहुल गांधी का नाम लेने से डरिए, ऐसा नहीं है। नीतिगत बातों को आपको समझना चाहिए। तो सबसे पहला काम अखबार पढ़ेंगे, दूसरा काम आप बुक पढ़ेंगे उन टॉपिक्स को जिनको पढ़ाया जाना है, पहले से आप पढ़ करके आएंगे, और तीसरी चीज आप पर डे क्लास देखेंगे। ये तीनों काम आपने अगर कर लिया तो इस बार प्रारंभिक परीक्षा के जब लिस्ट आएगी ना तो उसमें आपका भी नाम होगा, देख लीजिएगा। एक काम करेगा, एक टेक्निक काम करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ऐसी तैयारी करेंगे और हम अपना काम करेंगे, बस आप अपना काम जिम्मेदारी से करना शुरू कर दीजिए, निश्चित तौर पर आप भी सफल होंगे। और ये जो पूरी तैयारी की रणनीति ना, ये एग्जैक्ट रणनीति काम करती है बीपीएससी में और यूके पीसीएस में। तो जो हमारे छात्र बीपीएससी और यूके पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी सेम रणनीति काम करेगी। तो जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसकी जानकारी आपको कम्युनिटी बॉक्स में दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, इसमें जो चीजें मैंने बताई उसको आप फॉलो करेंगे, अमल करेंगे, और अपनी सफलता को तय करने का पहला कदम आज से स्टार्ट कर देंगे। चलिए मिलते हैं क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।